नमस्कार दोस्तों, दुनिया का एकमात्र हिंदू राष्ट्र नेपाल, जो कि 2007 तक एक हिंदू राष्ट्र था, और यहां तक कि जो नेपाल का झंडा है यानी कि फ्लैग है, वो भी हिंदू कल्चर से ही निकला है। नेपाल दुनिया का एक वो देश है जहां पर धर्म और जाति के नाम पर कभी एक कतरा खून भी गिरा नहीं, और हैप्पीनेस के इंडेक्स में नेपाल एक अच्छी रैंक होल्ड करता है अपने रीजन में, जो कि 84 है। जब दुनिया के कई सारे देश एक धार्मिक आधार पर बने हैं, जैसे कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और कई और देश हैं जिनमें इस्लामिक रिलीजन को ज़्यादा प्रायोरिटी मिलती है, तो नेपाल ने क्यों अपनी हिंदू आइडेंटिटी को छोड़ा और एक सेकुलर नेशन की तरफ बढ़ा। जो 2007 से पहले नेपाल एक हिंदू राष्ट्र था, उस दौरान नेपाल में कम्युनिस्ट का काफ़ी ज़्यादा प्रचलन बढ़ रहा था, जिसके बाद 2007 के पास नेपाल के संविधान में बदलाव करके नेपाल को एक सेकुलर नेशन घोषित किया गया। लेकिन नेपाल में कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिले, कोई बहुत बड़े बदलाव देखने को नहीं मिले। आपकी इस पर क्या राय कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना। और आज जब नेपाल में थोड़ी कम्युनिस्ट पावर वीक होने लगी, तो फिर से आवाज़ उठने लगी कि नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। तो कई लोग चाहते हैं कि नेपाल एक हिंदू राष्ट्र हो और कई चाहते हैं कि सेकुलर नेशन हो। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि नेपाल को एक हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ना चाहिए या फिर एक सेकुलर नेशन की तरफ बढ़ना चाहिए। इन चीज़ों से क्या फ़ायदा हो सकता है और क्या नुकसान हो सकता है जो नेपाल को झेलना पड़ सकता है। साथ ही हम जानेंगे कि दुनिया में कितने रिलीजन बेसिस पर देश बने हैं और कितने सेकुलर देश बने हैं, यानी कि धर्म निरपेक्ष देश हैं, और इन दोनों में से किन की हालत ज़्यादा अच्छी है। साथ ही जब हमने कई लोगों से पूछा कि एक सेकुलर नेशन होने से क्या फ़ायदे नुकसान है या फिर एक रिलीजन बेसिस पर नेशन होने के क्या फ़ायदे नुकसान है, तो बहुत सारे इंटरेस्टिंग जवाब भी देखने को मिले। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले, आप में से 80% लोग हो जो कि वीडियो देखते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, चैनल को अभी सब्सक्राइब करो, बाजू में जो बेल का बटन है उसको भी दबा लो, ताकि लेटेस्ट और ओरिजिनल वीडियो आपको ऐसे ही मिलते रहे। दो, सेकुलर देश यानी कि धर्म निरपेक्ष देश वो देश होते हैं जहाँ पर धर्म और रूलिंग गवर्नमेंट के बीच में कोई मतलब नहीं होता। वही रिलीजियस और नॉन सेकुलर देश वो होते हैं जहाँ पर ये होता है। जो हाल ही में नेपाल के मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म और कल्चर ने एक स्टेटमेंट दिया कि नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए, और वो उन्होंने नेपाल के कल्चरल एस्पेक्ट्स को देखते हुए बोला कि नेपाल को एक हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, और उसके लिए उन्होंने एक रास्ता भी बताया कि एक रेफरेंडम के जरिए ये किया जा सकता है। और ये स्टेटमेंट तब निकल के आया जब नेपाल के प्राइम मिनिस्टर देउबा उन दिनों भारत की यात्रा पर थे। उनका ये स्टेटमेंट क्या आपको लगता है कि एक पॉलिटिकल स्टंट था या फिर रियलिस्टिकली वो ऐसा कुछ करना चाहते हैं? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताओ, क्योंकि इलेक्शन भी नेपाल में आस पास है। तो अब ये सवाल खुद पैदा करता है कि नेपाल को एक हिंदू राष्ट्र होना चाहिए या नहीं। तो चलिए आपको ले चलते हैं दुनिया के तमाम देशों पर, जिसमें से कई बने हैं रिलीजियस बेसिस पर और कई बने हैं सेकुलर बेसिस पर, तो उनमें से किसकी हालत कैसी है, और उसके जरिए हमको एक क्लियर व्यू मिलेगा कि कौन से देश ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं। तो दोस्तों, अगर हम आर्थिक रूप से यानी कि इकोनॉमिक रूप से बड़े देशों को देखें, जैसे कि अमेरिका, फ्रांस, इंडिया, मैक्सिको, तुर्की, साउथ कोरिया, कनाडा, ये सभी देश एक सेकुलर नेशन है। यहाँ पर दुनिया के तमाम सेकुलर नेशंस में हर धर्म को बराबरी का दर्जा दिया जाता है, साथ ही साथ उन सभी के लिए एक बराबरी के कानून होते हैं, क्योंकि पूरे समाज में कहीं ना कहीं इक्वलिटी की भावना को ज्यादा क्रिएट करते हैं, और वो उन सेकुलर देशों में ज्यादा देखने को मिल भी जाता है, और कुछ में नहीं भी मिलता है, एक्सेप्शंस आर देयर। और वैसे दुनिया के कई और देश हैं जो कि रिलीजन बेसिस पे हैं, जैसे कि पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान, UAE, ये सभी मोस्टली देश इस्लामिक रिलीजन को फॉलो करते हैं और इनमें एक रिलीजियस आइडेंटिटी है। और अगर आप ये दुनिया भर के ग्लोब मैप पर देखेंगे तो इसमें से मोस्ट ऑफ द कंट्रीज हैं जो कि रिलीजियस बेसिस पे हैं, वो मिडिल ईस्ट में ही हैं और इस्लामिक धर्म को ज़्यादातर फॉलो करते हैं। और इन मोस्ट देशों की बात करें तो इनमें से काफ़ीतर देश काफ़ी अनस्टेबल देश है, साथ ही साथ इकोनॉमिक रूप से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, अगर हम UAE और कई ऐसे देशों को छोड़ दें जहाँ पर पेट्रोलियम पदार्थ ज़्यादा मिलता है। इन सभी में एक साइंटिफिक टेम्परामेंट काफ़ी कम पाया गया है, और ये लोग काफ़ी ज़्यादा अपने धर्म को ही लेकर जुड़े रहते हैं, इनके कानून भी धार्मिक ही आधार पर बनते हैं, और कहीं ना कहीं एक अनइक्वलिटी क्रिएट करते हैं समाज में। रिलीजन बेसिस पर बने हुए नेशन है वो अपने आंतरिक मामलों से ही परेशान है। अगर आप अंदर से ही परेशान होगे तो आप बाहर अपने देश को अच्छा नहीं कर पाओगे, और यही दोनों तरह के नेशन को काफ़ी डिफरेंट बनाता है। लेकिन कुछ ऐसे नेशन भी हैं जो कि अच्छा भी कर रहे हैं इंस्पाइट कि वो एक रिलीजियस आधार पर बने हैं। तो नेपाल की बात करें तो नेपाल 2007 तक की एक हिंदू राष्ट्र हुआ करता था और 2007 के बाद एक सेकुलर नेशन हुआ करता था। लेकिन दोनों ही कंडीशन में नेपाल की स्थिति बहुत ज़्यादा कोई बदली नहीं है। नेपाल हमेशा से अपने भाईचारे और पीस के लिए जाना जाता था, जो कि हमेशा से बरकरार रहा है, नेपाल चाहे हिंदू राष्ट्र हो या फिर नेपाल एक सेकुलर नेशन रहा हो, कि वहाँ पर शांति के प्रतीक गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, तो वो शांति कहीं ना कहीं कल्चर और खून में ही बसी है। अगर हम नेपाल की पॉपुलेशन को देखें तो नेपाल की पॉपुलेशन में 81% करीबन लोग हैं जो कि हिंदू धर्म को फॉलो करते हैं, 9% लोग हैं जो बौद्धिक धर्म को फॉलो करते हैं, साथ ही साथ 4% लोग हैं जो कि इस्लामिक धर्म को फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर मेजॉरिटी है हिंदू लोगों की, इसीलिए सोशल लाइफ भी काफ़ी ज़्यादा रिवॉल्व करती है हिंदू कल्चर के आगे पीछे।
और आज भी अगर नेपाल एक हिंदू राष्ट्र का टाइटल लेता है तो मुझे लगता है कि नेपाल में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन ये बात आप लोग को ध्यान में रखनी पड़ेगी कि एक हिंदू राष्ट्र का टाइटल एक देश की डेवलपमेंट की स्थिति को नहीं सुधार सकता या फिर उसकी बुनियादी चीज़ों को कभी नहीं सुधार सकता। लेकिन धार्मिक आधार पर अगर कानून बनना शुरू होते हैं तो कहीं ना कहीं अनस्टेबिलिटी आने के चांसेस हो सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं देखा गया कि पॉलिटिक्स में धर्म की बातें करना एक पॉलिटिकल स्टंट ही रहा है, और ज़्यादातर पॉलिटिशियन यही करते हैं जब अपना काम नहीं कर पाते, जब उनसे पूछने लगा जाता है कि महंगाई इतनी ज़्यादा क्यों है, तेल के भाव इतने ज़्यादा क्यों है, हमारे लिए हॉस्पिटल क्यों नहीं है, हमारे लिए अच्छी शिक्षा क्यों नहीं है, जब इन सब चीज़ों के लिए उनके पास जवाब नहीं होता है कि हमारे यहाँ एक धार्मिक बॉल फेंक देते हैं कि हमारे धर्म के साथ बहुत गलत हो रहा है, हमारे धर्म के साथ ये हो रहा है, हमारे धर्म के साथ वो हो रहा है, और हम अपने सवालों को भूल जाते हैं कि हमारे लिए आपने क्या किया जिसके लिए हमने आपको वोट दिया था। आज के समय में नेपाल के पड़ोस के ही देश भारत में इतनी ज़्यादा सांप्रदायिकता बढ़ गई है कि वहाँ पर कोई कंट्रोल नहीं है न्यूज़ मीडिया पर, कोई कंट्रोल नहीं है लोगों पर, और रिलीजन के नाम पर इतनी गंद फैलाई जा रही है कि लोग आपस में लड़ना शुरू कर दिए, जो कि एक देश के लिए काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। और कहीं ना कहीं इसका फायदा होता है सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज को। आपको क्या लगता है ये किया जाता है कि नहीं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो अब जानते हैं कि एक सेकुलर नेशन यानी कि एक धर्मनिरपेक्ष देश होने के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, साथ ही साथ एक रिलीजन यानी कि एक धर्म के आधार पर बने हुए देश के क्या अपने फायदे हैं और क्या नुकसान है। तो एक सेकुलर नेशन होने के कई फायदे हैं। ऐसे देशों में ज्यादातर रिलीजन कॉन्फ्लिक्ट्स काफी कम होता है, यानी कि दो धर्मों के बीच में काफी कम लड़ाइयां होती हैं। हर किसी को अपने धर्म को आज़ादी से फॉलो करने की पूरी छूट होती है, और उस देश को हमेशा हर धर्म की इक्वली सम्मान करना पड़ता है और इक्वली सम्मान होता है। एक सेकुलर नेशन होने के नुकसान भी हैं, क्योंकि यहाँ पर एक पॉलिटिकल एडवांटेज बहुत ज़्यादा मिल जाती है, और नेता लोग काफ़ी लग जाते हैं लोगों को इन्फ्लुएंस करने में कि हमारा धर्म अच्छा है, और ज़्यादा धार्मिक आधार के लोगों को अपनी तरफ खींचना चाहते हैं वोटों के लिए, तो उसके चलते वो लोग कहीं ना कहीं नफरत क्रिएट करते हैं दो धर्मों के बीच में, जिससे उनका पॉलिटिकल फायदा हो। इसी चीज़ माइनॉरिटीज़ में भी थोड़ा डर आ जाता है कि मेजॉरिटी उनको दबाए ना। इसी चीज़ ये होती है कि डिफरेंट रिलीजन के लोग होते हैं तो उनके कानून भी थोड़ा अलग हो जाते हैं। जैसे कोई शादी कर रहा है, अगर वो हिंदू धर्म में करे और मुस्लिम धर्म में करे तो उनकी अपनी अपनी मान्यताएं हैं, और इन दोनों के बीच में अगर शादी हो जाती है तो कहीं ना कहीं एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है कि किसको सही माने किसको नहीं माने। आप जानते हैं कि एक रिलीजियस यानी कि एक धर्म के आधार पर बने हुए देश के क्या फायदे हैं। आमतौर पर देखा गया कि रिलीजियस कंट्रीज होने पर लोगों को लगता है कि वो देश से ज़्यादा जुड़े हैं, यानी कि उनका देश पे कुछ ज़्यादा ही निखर के आता है, क्योंकि वो धर्म और देश को एक ही नज़र से देखने लगते हैं। दूसरी चीज़, जो गवर्नमेंट होती है वो ज़्यादा धर्म के खिलाफ नहीं जाती और धार्मिक चीज़ों को ज़्यादा छेड़ती नहीं है, और इसके अलावा इसका कोई और एडवांटेज नहीं है। रिलीजियस नेशन होने के डिसएडवांटेज की बात करें तो सबसे पहली चीज़ है कि यहाँ पर साइंटिफिक डिस्कवरी को ज़्यादा इग्नोर किया जाता है। जी हाँ, यहाँ पर साइंस को इतनी जगह नहीं मिलती, और आमतौर पर देखा भी गया कि जो रिलीजन बेसिस पर देश है वो साइंस में काफ़ी पीछे भी हैं, क्योंकि वो अपने धर्म को ज़्यादा लेके चलते हैं और धार्मिक चीज़ों में ज़्यादा लगे रहते हैं, तो उनका साइंस के साथ जुड़ाव इतना नहीं होता है। दूसरी चीज़, इन देशों में ज़्यादातर लॉ जो बनते हैं वो एक रिलीजन स्पेसिफिक बनते हैं, जिसके चलते कई माइनॉरिटीज़ होती हैं उनको प्रॉब्लम होती है, तो ये कहीं ना कहीं एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करते हैं अपने ही देश में, तो इसीलिए देश भी काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल रहते हैं और कोई ना कोई इन रिलीजियस लॉज को चैलेंज ज़रूर करता है। तो यही कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज होती है एक सेकुलर और एक रिलीजियस नेशन में। और ये सब जान लेने के बाद आपको क्या लगता है कि नेपाल को एक सेकुलर नेशन होना चाहिए या फिर एक धार्मिक आधार पर देश बनना चाहिए? कमेंट बॉक्स में इस चीज़ का जवाब लिख के जरूर दीजिएगा, मुझे काफ़ी खुशी होगी ये जान के आपसे। साथ ही वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बाजू में जो बेल का बटन है उसको दबा लो ताकि लेटेस्ट और ओरिजिनल वीडियो आपसे मिस ना हो। धन्यवाद NI News।